Audio Jungle. Audio Jungle. Good morning everyone, कैसे हैं आप सब? अभी मैं मंदिर जा रही हूँ क्योंकि आज ट्यूजडे है और आज से बिहार का महापर्व छठ स्टार्ट हो रहा है। आज नहा खा है तो मैंने सोचा कि अच्छा दिन है, चलो मंदिर घूम के आते हैं। तो बस जा रहे हैं मंदिर, मिलते हैं वहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है और बहुत अच्छे से हुई। मैं चूँकि जल्दी आ चुकी थी फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे और अभी तो रिकॉर्ड तोड़ भी हो रही है क्योंकि मैंने बोला था ट्यूजडे है और हनुमान मंदिर है तो भीड़ तो होगी ही। इसलिए सोचा था थोड़ा जल्द और जल्दी आने के लिए सोचा था, बट थोड़ा घर का काम करके घर का पूजा करके ही निकलना चाहिए, इसलिए थोड़ा और लेट हो गया। मैं आई थिंक 6:15 बजे तक यहाँ आ चुकी थी और अच्छे से पूजा हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी मतलब भीड़ है यहाँ पर। ये शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ पे हवन वगैरह भी होता है। और ये देखिए अयोध्या का राम मंदिर है, दान देने के लिए यहाँ पे है दान पेटी। ये हमारे अयोध्या का राम मंदिर है, फिर मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत है, सोचिए जब बन के तैयार होगा हमारा राम मंदिर तो कितना खूबसूरत लगेगा। और ये सब दान, ये है माता रानी का मंदिर, ये श्री राम है शायद, कृष्ण है नहीं, कृष्ण है हाँ जी, ये कृष्ण है और सारथी अर्जुन है शायद। ये भगवान राम, लक्ष्मण और माता सबरी। पटना जंक्शन भी देख लीजिए, मंदिर से बहुत अच्छे से दिखता है। रात में तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, इतनी अच्छी लाइटिंग होती है यहाँ पे। बट अभी मैं दिन में पूजा करने आई हूँ तो अभी आप दिन में ही देख लीजिए। और ये देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसे मैं जब भी देखती हूँ ना मतलब एक अलग सी खुशी होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, दोपहर के 12 बजे तक ऐसे ही भीड़ रहती है, फिर शाम को स्टार्ट हो जाता है सैटरडे एंड ट्यूजडे को। ये देखिए यहाँ पे सभी बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आप देखिए मैं भी इसी लाइन में लग के पूजा कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और जाइए गर्मी की वजह से इसको ऐसे लगा दिया है कि लोगों को धूप ना लगे। और ये लाइन देखिए मंदिर के बाहर का लुक है। पहले मंदिर के अंदर घुसने का रास्ता उधर से था बट अभी इधर सामने से कर दिया है। और ये रात में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जैसे कि आपको तो देखा ही होगा लाइटिंग जब चलती है तो कितना खूबसूरत लगता है। बड़ा मंदिर तो अभी घर चलते हैं हम लोग। हम लोग की पूजा हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से पूजा हुई और अभी तो भीड़ स्टार्ट हुई है इसलिए मैं मॉर्निंग में ही आके पूजा कर ली। चलते हैं घर, वहाँ मिलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ पार्टी में
हम लोगों को एक इनविटेशन है पार्टी में जाने के लिए, तो मैं पार्टी में जा रही हूँ और पटना का फेमस है ये रेस्टोरेंट पुल बारूची नाम से, और मैं कभी नहीं गई हूँ और पहली बार जा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखती हूँ कि क्या है ऐसा कि लोग बहुत तारीफ करते हैं, तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ मैं कि ऐसा क्या है वहाँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो फिर चलिए चलते हैं। हमने सोचा है कि पार्टी में जा रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं भूखे लेने, और यहाँ से स्टेशन नज़दीक है गांधी मैदान से, तो पहले हम लोग जाएंगे स्टेशन, वहाँ से भूखे लेंगे, देन फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे। चलिए चलते हैं हम लोग। ये रोज़ वाला भूखे कैसे होते हैं? 250 रुपये। और वो 350 रुपये। और मिक्स फ्लावर्स नहीं है? मिक्स फ्लावर्स वो तो बस रोज़ है और कुछ नहीं है, मिक्स फ्लावर्स मिक्स में। ये रोज वाला अच्छा लग रहा है ना? हेलो, जो सामने लड़का है इसी का जने हुआ था, तो उसी के लिए यहाँ पे डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है। एक्चुअली ये लोग बंगाली पंडित हैं, तो बस इसीलिए कुछ खास तो डेकोरेशन नहीं है, बट हाँ ठीक है। एक सेकंड, वो कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इन्हीं का जने हुआ था। मैं अभी 16th फ्लोर पे हूँ और ये देखिए यहाँ से पटना का नज़ारा। ये बिस्कोमान पे सबसे ऊपर छत पे 16th फ्लोर पे कितना खूबसूरत लग रहा है यार। बहुत मज़ा आ रहा है यार, आए मुझे आधा घंटा हो चुका है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और काफ़ी अच्छा है, छोटा मोटा गेट टुगेदर है और उसी में हम लोग आए हुए हैं। बस डिनर का बाकी था, जने में वैसे कुछ खास तो होता नहीं है, बट फिर भी इन लोगों ने डिनर ऑर्गेनाइज किया है और हम लोगों को इनवाइट किया था। हम लोग गेस्ट हाउस में ही ठहरे हुए थे। ये देखिए पीछे की लाइट्स कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं भी अभी फ़ोटो खिंचवाई हूँ, खिंचवाऊँगी क्योंकि मैंने अभी फ़ोटो क्लिक नहीं करवाया है, और ऑब्वियसली रेडी होने पर लड़कियाँ फ़ोटो ना खिंचवाए ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो चलते हैं फिर देखते हैं।
11 बज रहे हैं और मैं अभी निकली हूँ पार्टी में से और अभी मैं घर जा रही हूँ। पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। पता नहीं कैसे 3-4 घंटे आराम से निकल गए, पता ही नहीं चला। तो चलिए घर चलते हैं, अब बहुत लेट हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ शूट कर पाऊँगी। तो बाकी का जो भी होगा वो कल ही होगा। गुड नाइट। ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अभी मैं दूसरा ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। बाय।